हेलो दोस्तों, स्वागत है द स्टूडेंट चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट बैटल हुई है, उन सारी बैटल को जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखना जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बैटल ऑफ खतौली। बैटल ऑफ खतौली हुई है 1527 ईस्वी में, और यहाँ पे इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुई है ये। इसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इसमें बाबर जीता था। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ है, राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर की जीत हुई है। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुई है, मेदनी राय और बाबर के बीच। ठीक है, इसमें भी बाबर जीता है। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में हुआ है, महमूद लोधी और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर जीता है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें शेरशाह सूरी जीता था और हुमायूं बच गया था इसमें। यहाँ पे देखिए जो बाबर जितनी भी लड़ाइयाँ जीता है, इसकी ट्रिक है एक के बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और 1530 में मर गया। 1526 में बाबर आया था, 1526 से लगातार देख रहे हैं, हर साल उसने एक युद्ध लड़ा है। तो 1526 याद रखिए और उसके बाद में 1529 याद रखिए, बस आपको ये सारी बैटल याद रहेंगे और सभी में बाबर ही जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इस वाली बैटल में। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं बच गया था शेरशाह सूरी के साथ। उसके बाद इस बैटल हुई थी बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ बिलग्राम के और भी नाम है, और भी नामों से जाना जाता है, बैटल ऑफ गंगा, बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, ये 1540 में हुई थी। इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। इसमें शेरशाह सूरी फिर से जीता था और हुमायूं भाग गया था। फिर इसके बाद में एक बैटल और इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा की बैटल हुई थी हुमायूं और ततार खान के बीच में। इसमें हुमायूं जीत गया था 1555 में। ठीक है, फिर हुमायूं दोबारा से वापस आया और बैटल ऑफ सरहिंद किया 1555 में। हुमायूं और इधर सिकंदर सूरी या शेरशाह सूरी का साइड का था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में हुमायूं का यहाँ पे जीत गया। अब इसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, इधर बैरम खान था, इधर हेमू था। ठीक है, ये बैरम खान था अकबर के साइड से, अकबर 13 साल का था उस टाइम पे, और ये अपोजिट साइड में हेमू था। ठीक है, हेमू के बारे में ये देखिए 22 और 23 मैंने इसलिए लिखा है, हेमू ऐसा था शासक कि ये 23 बैटल लड़ा था, पूरी 23 में से 22 जीता था। ये अपनी आखिरी बैटल ये हारा था और इसी में ये मारा गया था। तो 1556 में भी बैटल ऑफ पानीपत, इसमें बैरम खान जीता था। ठीक है, इसके बाद हुई थी बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी हुई थी 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, लेकिन इसमें अकबर और महाराणा प्रताप खुद नहीं थे। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और महाराणा प्रताप की तरफ से थे हकीम खान, ये लड़ रहे थे बैटल। इसमें अकबर की विजय हुई थी। बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ चौल 1508 में हुई थी, ये ट्रायो और पुर्तगीज के बीच। ट्रायो किसका था? गुजरात, इजिप्ट और तुर्की का, जिनका जो है एक इंडिया के एक एक पर्टिकुलर वेस्टर्न कोस्ट पे इनका कब्जा था और ये पुर्तगीज़ को वहाँ पे आने नहीं दे रहे थे। तो इधर से पुर्तगीज़ के साइड से लॉरेंको डी अल्मीडा था, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा था। तो ये बैटल हुई, इसमें पुर्तगीज़ हार गए और लॉरेंको डी अल्मीडा की मृत्यु हो गई और ये ट्रायो जीत गया। इसके बाद में बैटल ऑफ दीव हुआ, ये वही दमन और दीव वाला है। तो ये 1509 में हुआ, अगले साल, जस्ट इसके अगले साल। इसमें फिर से वही ट्रायो, गुजरात, इजिप्ट और टर्की था, और इधर पुर्तगीज से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो जिसका बेटा यहाँ पे मारा गया था। अब ये बैटल जो है जीत गया पुर्तगीज। इसके बाद में बैटल ऑफ स्वालिन 1611 में हुई थी, ब्रिटिश और पुर्तगीज के बीच में। ठीक है, ये यहाँ पे जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन पुर्तगीज़ ने जो है इनका विरोध किया और जहांगीर से इनको परमिशन नहीं दिलवाई, इसीलिए इनका बैटल हुआ था ये 1611 में, बैटल ऑफ स्वालिन। इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई यहाँ पे, तो इसमें ब्रिटिश जीत गए थे। इसके बाद आती है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। 1757 में हुई थी, सिराज और क्लाइव। ये डेट आप याद ही रखिए, क्योंकि इसी डेट को ये बैटल ऑफ प्लासी और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।